रिवर फ्रंट से आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की एक खास पेशकश। पहले फेज के चुनाव के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले एक एक सीट का समीकरण, कौन सी सीट किस पर भारी पड़ सकती है और किसके लिए आसान हो सकती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब बात करेंगे उन सीटों की जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहां पर कौन से फैक्टर्स इस बार काम किए और किस पार्टी की कैसी रणनीति रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीट के बारे में आपको बताते हैं। वांकानेर सीट है जो मुस्लिम बाहुल्य है, 2017 में कांग्रेस यहां से जीती थी। सूरत ईस्ट की अगर बात करें तो यहां पर भी मुस्लिम वोटर्स का वर्चस्व है, बीजेपी ने 2017 में इस सीट को हासिल किया था। अबडासा की बात करें तो इस सीट पर भी मुस्लिम फैक्टर काम करता है, कांग्रेस जीती थी। वागरा में बीजेपी 2017 में जीत हासिल करने में कामयाब रही थी, जबकि जम्बूसर सीट कांग्रेस के हाथ में गई थी। और भरूच की अगर बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी, और अंकलेश्वर में भी बीजेपी ने बाजी मारी थी। लेकिन इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बार इन सीटों पर कौन किससे आगे चल रहा है, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले वांकानेर की बात करते हैं। निर्णय वांकानेर की अगर बात करें तो ये कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस लगातार यहां से जीतती है, लेकिन इस बार क्या बीजेपी इस सीट में कोई सेंधमारी कर सकती है, या बीजेपी ने कुछ ऐसा बदलाव किया है अपनी चुनावी रणनीति में कि वांकानेर को भी वो जीत सके? देखिए, वांकानेर की सीट प्रीडोमिनेंटली कांग्रेस जीतती रही है, और मैं आपको बता दूं पिछली बार भी कांग्रेस ये सीट जीती थी, लेकिन बहुत ही थिन मार्जिन से जीती थी। ऐसा नहीं है कि ये सीट बीजेपी ने जीती नहीं, अब तक 3 बार बीजेपी ये सीट जीत चुकी है। हालांकि प्रीडोमिनेंटली कांग्रेस यहां पे हमेशा जीतती रही है, और एक फैमिली का मैं कहूंगा कि यहां पे लगातार शासन चलता रहा है। उसकी दो मुख्य वजह है, एक तो वांकानेर में मुस्लिम वोटर्स बहुत हैं, और इसके साथ साथ जो ओबीसी वोटर्स हैं उसमें भी एक बड़ा चंक जो है वो उन्हें सपोर्ट करता है, और उसका फायदा हमेशा से। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कांग्रेस को है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ पे काफी रिकवर करने की कोशिश की थी। जीतू सोमानी को एक बार वापस चांस दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने आकर के बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें जो हैं वो खड़ी कर दी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक कोली कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा कर दिया है, कोली वोट कैंडिडेट, और कोली वोटर्स जो है वो वांकानेर में सबसे ज्यादा है, करीब 82,000 कोली वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स करीब 72,000 हैं वांकानेर में। अब ये कोली वोटर्स जो है ये प्रीडोमिनेंटली हमने देखा है कि कांग्रेस को वोट करते रहे, हालांकि वांकानेर में हिंदू मुस्लिम हो जाता है कांग्रेस से मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होने की वजह से, इसलिए काफी काफी बड़ी मात्रा में कोली वोटर भी बीजेपी को मिलता है, कोली वोटर भी बीजेपी के साथ जाता है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जो कोली कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, यदि वो वोट काटता है तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए ये सीट जो है फाइट काफी रहेगी इस बार भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो अभी भी एज पे है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।